बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार देर रात जयपुर पहुंचे और रीट भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और दोषियों को गिरफ्तार करने की उन्होंने सरकार से मांग रखी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ बड़ी संख्या में युवा भी धरने में शामिल हुए। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार लाठी के दम पर प्रदेश के बेरोजगारों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, लेकिन उनके आंदोलन को इस तरह कुचला नहीं जा सकता। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मैं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत कर आगे बढ़े आंदोलन की रणनीति तैयार करूंगा। डॉक्टर मीणा ने मौके पर मौजूदा युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि युवा सरकार बनाता भी है और बदलता भी है। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस ने शहीद स्मारक पर धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं को लाठीचार्ज करके वहां से खदेड़ा, लेकिन बाद में जब सांसद किरोड़ी लाल वहां पहुंचे तो फिर से युवाओं में नया जोश पैदा हो गया और वे सांसद मीणा के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि एस आई का पेपर आउट हो गया, तो परीक्षा रद्द कराई जाए, और जो पेपर आउट कर रहे हैं उनके लड़की सी बी आई की जांच कराई जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। साधारण सी मांग थी, खोले हुए पेपर अहिंसक तरीके से गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरने को बैठे थे। हमको धरने से अनेक लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये अलोकतांत्रिक कदम है, मैं इनके समाचार लेकर।